समर्थन मूल्य पर किसानों से हो रही धान खरीदी में बिचौलियों, दलालों और व्यापारियों के गठजोड़ को ध्वस्त करने कलेक्टर अभी प्रसाद के निर्देश पर व्यापक पैमाने पर चलाए जा रहे औचक निरीक्षण अभियान के दौरान 1 जनवरी को सेंट्रल वेयर हाउस में अमानक धान से भरे ट्रक को जब्त किया गया था। पूरे घटनाक्रम की जांच के बाद सोमवार को कलेक्टर प्रसाद के निर्देश पर CWC वेयर हाउस उपार्जन केंद्र के समूह संचालकों, ट्रक ड्राइवर पर कुठला पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई गई। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी संतोष नंदन वार ने बताया कि धान उपार्जन केंद्र सहायता समूह CWC पहरुआ कटनी में रविवार को धान से भरा ट्रक जब्त किया गया। जांच के बाद तथ्यों से पता चला कि धान उपार्जन केंद्र माननीय स्व सहायता समूह के अध्यक्ष माधुरी पाठक और प्रभारी रजनी पटेल से साठगांठ कर कटनी जिले की स्थानीय किसानों के नाम से दर्ज पंजीयन में अवैधानिक तरीके से अनुचित लाभ के लिए धान को बिना वैध दस्तावेज के सतना जिले के मेहर से धान उपार्जन पोर्टल पर फर्जी प्रविष्ट के लिए मंगवाया गया था। औचक निरीक्षण किया गया, कुछ स्रोतों से जानकारी प्राप्त हो रही थी कि बिचौलियों द्वारा जो अनाधिकृत व्यक्ति हैं उनके द्वारा धान विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा है। जानकारी मिलने पर इसका संज्ञान लेके कल औचक निरीक्षण कराया गया और उसी औचक निरीक्षण के दौरान CWC वेयर हाउस पर एक धान से भरा हुआ ट्रक मिला है जिसके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है। वेयर हाउस के अंदर मिला है वो ट्रक और ऐसा प्रतीत होता है कि वो धान बाहर के जिले से लाया गया और उसको उपार्जन केंद्र पे समर्थन मूल्य पे बेचने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए उस धान को जब्त किया गया और उपार्जन केंद्र के संचालकों पर जो है प्राथमिकी दर्ज कराने की